धेयं सदा परिभव गमनीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिनतं शरण्यं प्रत्यार्पिहं प्रणतिपाल भवाभिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं ध्याय ध्यानं पुष्पं समर्पयामि प्रधान कृशेश्वराय नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम गंधर्वासुरार्थ्यो स्वाहा, ओम स्कंदाय स्वाहा, ओम नंदिने स्वाहा, ओम शूल महाकालाभ्याम स्वाहा, ओम दक्षादि सप्तगणेभ्यो स्वाहा, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम सुधाय स्वाहा, ओम अशोकाभ्याम स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा, ओम अद्भ्यो स्वाहा, ओम मरुद्भ्यो स्वाहा,
ओम पृथ्वीभ्यो स्वाहा ओम गंगा नदीभ्यो स्वाहा ओम शुक्ल सागरेभ्यो स्वाहा क्षेत्रस्य विष्णु ऋषिः महालक्ष्मी देवता पुष्टे छंदः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायु सत्तम यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्य चरित्र जपे होमे विनियोगः सामने छोड़ दीजिए ओम अक्षत परसुं गणेश पुरुषं पद्मर्दनीम इह महा लक्ष्मी सरोज स्थिताम् ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम ह्रीं ऋषिवा स्वाहा देवासुरमोद्युद्धं गुणमद्ध सदं गुरा महिषेश्वराणां अर्पे देवानां च पुरंदरे स्वाहा शरण ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलते रहे तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलते रहे उत्सव मनाए नाचे गाए उत्सव मनाए नाचे गाए चलो मैया के दर जाए जय माता दी जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी चारों दिशाएं आंगन सजाया करके तेरे दर्शन छूमे धरती सन मन गाए पवन सभी तुझ में मगन तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई सारी धरती ये महकाए जय माता दी जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी चरणों में बहती है गंगा की धारा आरती का दीप लगे हर एक सितारा पुरवैया देखो चवर कैसे झूला झुलाए अपा के भक्त
कर नयन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे।
चुनरिया वाली, सितारों वाली जिसे ओढ़कर आई है माँ शेरा वाली।
भैया, आज भी आप समिति द्वारा निर्धारित व्यवस्था में सहयोग करें। पुलिस प्रशासन के हमारे सभी साथी जिनका निरंतर हमें सहयोग मिला है, आप भी कृपया व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। हमारे समिति के साथी भी 11 बजे हम प्रारंभ करेंगे। हमारे और भी अतिथिगण आने वाले हैं, माननीय एसपी साहब, अपर कलेक्टर, उच्च अधिकारियों के आगमन की वजह से उनका आगमन अभी हुआ नहीं है। कार्यक्रम 11 बजे के आसपास हम प्रारंभ करेंगे। Oh,
बता दूं, मेरी पत्नी मुझसे बड़ी प्यार करती है, मुझे प्यार से एजी एजी कहती है, एजी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। मेरे बेटे ने, 5 साल के बेटे ने मुझसे बोला, पापा ज्यादा खुश मत हुआ करो, एजी का फुल फॉर्म होता है अबे गधे। ऐसे जब बात प्यार की होती है तो प्यार में एक शराबी ने क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, जोरदार ताली हो जाए आप सभी की। फिल्म ईमानदार से एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के लिए आवाज दे रहा हूं माइक्रोफोन पर ग्रुप की जानिब से। ये शानदार सा कलाकार सिर्फ इतना कहता है कि गुर्बत की जिंदगी हम जिया नहीं करते, हम वो शख्स हैं जो दिल किसी को दिया नहीं करते, हाँ अगर हमसे मोहब्बत है तो कह देना, वरना हम प्यार किसी से किया नहीं करते, प्यार किसी से किया नहीं करते। सूरज हाँ आपके लिए एक खुशखबरी है कि काफी देर से हम कार्यक्रम कर रहे हैं और आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मजे ले रहे हो और यहाँ वक्त है अब एक छोटा सा ब्रेक का, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे अपना शानदार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 6 प्रतियोगिताओं के पुरस्कार बांटे जाने हैं। मैं सभी प्रतियोगियों से निवेदन करूंगा, कृपया आप लोग यहां मंच के पास आके बैठ जाएंगे और साइड की सीढ़ी से ऊपर आएंगे आप लोग। प्रतियोगिताएं हैं सामान्य ज्ञान, रंगोली, पुष्प सज्जा, फैंसी ड्रेस, कैसेट डांस और गरबा। भाई वीरेंद्र बनवाले, साथ ही दीपक तोमर जी, आप सुरेंद्र बनवाले जी का स्वागत करें, आप हमारे समिति के अध्यक्ष योगेश जी का स्वागत करें और हमारे समिति के सभी सदस्य साथी जो गण हैं, कल भी हमारे कार्यक्रम यहाँ होना है, आप सभी निराश रहो। जी हाँ, ये पुरस्कार वितरण समारोह चल मयंक सूर्यवंशी आए क्या, हमारा किया है मयंक सूर्यवंशी जी ने और प्रथम स्थान प्राप्त किया योगिता, जिसके प्रायोजक थे ओम वस्त्रालय वस्त्र भंडार लाल बर्रा, प्रतिष्ठान पूजा नकपुरे जी, द्वितीय स्थान सोनाली पथिक, पागल पेड़ लाल बर्रा, आप लोग सुने सांत्वना पुरस्कार कृष्ण भाई साहब,
जिसके आयोजक हैं तारवे इलेक्ट्रॉनिक्स लालबर्रा, तृतीय स्थान यशपाल उइके, द्वितीय स्थान कुमारी योगी यशपाल उइके, कुमारी मुस्कान और डेविड नागवंशी प्रताप। कैमरा के सेट से ले लो ना, एसी नहीं आ रहा है अग्रवाल। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिए थे नन्हे मुन्ने बालक ने, डेविड नागवंशी ने। गोदी में आ रहे हैं वो अपना पुरस्कार लेने, गोदी में ले ले गोदी। जोरदार तालियां छोटे से बच्चे के लिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति इन्होंने दी थी। और मैं आमंत्रित करूंगा केसिट डांस जूनियर प्रतियोगिता जिसके प्रायोजक हैं वैदिक कॉन्वेंट स्कूल। बहुत सुंदर डांस बच्चों ने किया था, जोरदार तालियां। खुशी पसीने मुझे बता, खुशी ने आज अपने पापा का नाम रोशन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोरदार ताली हमारे जयदीप भैया के लिए, और जोरदार, बहुत जाबाज हमारा साथी। नौ प्रतिभागी थे, आप फोटो जा रहे हैं अच्छे तरह ना भैया, भैया हमारे जोड़े के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आशीर्वाद ग्रुप, आशीर्वाद ग्रुप के फर्स्ट और प्रथम स्थान पर बहुत शानदार प्रस्तुति के साथ रहे थे स्तुति ग्रुप लालबर्रा। आप लोग भी मंच पर आमंत्रित हैं स्तुति ग्रुप को संचालित करने में, जो समिति के सदस्य नहीं भी हैं मगर कार्यक्रम को संचालित करने में उनका योगदान रहता है। ओवरऑल यानी चौतरफा सहयोग हमें करने वाले हमारे आदरणीय रवि भैया जिनका योगदान अमूल्य रहता है, भाई रिंकू अवधिया, श्री संतोष यादव, कम से कम 5,000 चाय जनता को पिलवाते हैं। संतोष यादव आइए आप, संतोष भैया, ये संतोष भैया जो निःशुल्क चाय दूसरा वर्ष आपका है पूरी तन्मयता से और पूरे मान सम्मान के साथ, और उसके साथ साथ जो कचरा होता है डिस्पोजल का पूरा बीन के ले जाते हैं, जोरदार ताली संतोष यादव जी के लिए। हमारे भरना अंत लकड़ी आदि सब व्यवस्था भाई नईम खान, नईम खान अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप भी आकर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बार बार बरघाट से फोन आया कि नगर पंचायत नगर पालिका आपका स्वागत करना चाहती है, मैंने चंद्रू भाई ने सबने मनाया, मैं सम्मान के लिए काम नहीं करता कह के आपने मना कर दिया, जाने से बजा दीजिए इतनी ताली। इतना बड़ा दिल रख के काम करने वाले हमारे साथी और जिनको मैं अपनी तरफ से अपने पिता श्री बद्री प्रसाद जी अग्रवाल की तरफ से उनकी स्मृति में कुछ भेंट देना चाहता हूँ। अग्रवाल की स्मृति में भाई रामेश्वर जी बसेने का सम्मान को आयोजित करते हैं विगत 15 वर्ष से, श्री डीएस बोपचे जी बरघाट आदर्श डेकोरेशन के संचालक, मैं सम्माननीय बोपचे जी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बोपचे जी के लिए। पूरा पंडाल पूरी लाइटिंग पूरा कार्यक्रम आपका रहता है, पूरी बैठक व्यवस्था आपके द्वारा संचालित की जाती है, बोपचे जी के लिए बजा दीजिए जोरदार ताली। कभी इन्होंने हमारे इस क्षेत्र के इस जिले के जुझारू युवा देख ही रहे हैं आप, बहुत काम करने वाले हमारे सम्माननीय एसपी साहब श्री गौरव तिवारी जी। मेरे साथ मंचा सिंह, लालबर्रा के सभी गणमान्य नागरिकगण, यहाँ पे उपस्थित लालबर्रा ब्लॉक के सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे आने में इतना विलंब हुआ। दूसरा, इतना सफल आयोजन जो कि पिछले 23 वर्षों से लालबर्रा में आयोजित किया जा रहा हो, इसके लिए जो माँ सरस्वती महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारीगण हैं वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसमें बिना लोकल जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं इनके सहयोग में इतना बड़ा सफल आयोजन कर पाना इम्पॉसिबल है। ये अपने आप में ये शो करता है कि यहाँ पर लोगों ने किस तरह एक टीम भावना से आपस में मिलजुल कर एक इस सफल आयोजन को, वो भी जो कि कॉन्टिन्यूस लगभग 10 दिन तक चल रहा है, इतना सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया है। और
मेरे ख्याल से ये बालाघाट का ऐसा आयोजन होगा जिसमें लोगों ने कभी मेरे से ये नहीं कहा कि सरकार फोर्स भेज दीजिएगा, बल की आवश्यकता है, जबकि महिलाएं और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बच्चियां जो कि काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आई होंगी, तो ये अपने आप में शो करता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। और चूँकि मेरा बालाघाट में लगभग 22 महीने का कार्यकाल हो चुका है और बहुत जल्दी मे बी पॉसिबल मुझे मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ, तो मैंने जो महसूस किया है पिछले 22 महीनों में लाल बर्रा में जो जिस तरह का यहाँ का परिवेश है, जिस तरह के यहाँ के लोग हैं वो अद्वितीय है। मतलब ऐसा परिवेश, ऐसे लोग मैंने अपने करियर में भी पिछले 5 साल के करियर में कहीं नहीं देखा। इसके पहले मेरी पोस्टिंग रतलाम में रही, मैं उसके बाद फिर उज्जैन में पोस्टेड रहा, फिर मुझे तीसरे जिले ग्रुप में यहाँ पर मेरी पोस्टिंग एज SP बालाघाट में हुई। और मैंने ये महसूस किया कि ऐसे बालाघाट इन जनरल और लाल बर्रा इन पर्टिकुलर ऐसे सकारात्मक सोच के लोग मैंने अभी तक नहीं देखे। यहाँ के लोगों में जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वो कहीं नहीं है। दोस्तों, समाज में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, लेकिन आप बुराई को बुराई से कभी नहीं जीत सकते। अगर आँख के बदले आँख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बुराई को हमेशा सच्चाई से जीता जाता है। और मैंने ऐसा देखा लाल बर्रा में, जो यहाँ के लोकल लोग हैं इतने अच्छे हैं, मतलब इतने लोग, मतलब उनको क्या कहा जाए, कितने बढ़िया लोग हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैंने ऐसा अपने करियर में कहीं नहीं देखा अभी तक। और मेरे ख्याल से ये एक एग्जाम्पल के रूप में है, जो कि मुझे लगता है पूरे नेशनल लेवल पर लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसा भी जगह है जहाँ पर लोकल लोग इतने मिलजुल के रहते हैं, जिनमें बाहरी कोई व्यक्ति अगर आके विघटन पैदा करने का प्रयास भी करे तो उसे खाली हाथ जाना पड़ता है। मतलब ये अद्वितीय है और इसका पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को, जो यहाँ के शांति प्रिय जनता है, जिनका जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से, और जो इन लोगों ने पिछले दिनों काफ़ी त्यौहार भी गए, हिंदू मुस्लिम त्यौहार दोनों आए, लेकिन जो भाईचारा कौमी एकता का एक मिसाल लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया वो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में लोगों को पता चलना चाहिए। और इसको हम लोग हर जगह प्रोजेक्ट करेंगे, जब खासतौर से मैं तो अपने कैरियर में थ्रू आउट जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी लाल बर्रा कभी नहीं भूल सकता। और मैं इसको हमेशा बताऊंगा लोगों को कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ पर लोग इसलिए आगे आकर प्रशासन से पुलिस से जुड़ते हैं क्योंकि वो शांति चाहते हैं, न कि किसी मुद्दे को इशू बनाकर आपस में विघटन पैदा करना, समाज में अशांति फैलाना। तो इसके लिए टोटल क्रेडिट जाता है यहाँ के लोग को। और जो अभी पुरस्कार वितरित हो रहे थे, मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों ने काफ़ी कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, GK की भी चीज़ें हुई। और पिछले कुछ दिनों से जो मैं थानों में विजिट कर रहा था, मुझे पता चल रहा था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, साइकिल रेस भी हो रहा है, लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि इसीलिए शायद यहाँ के लोग इतने मेंटली भी बहुत फिट है और मेंटली बहुत कोऑपरेटिव है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और उसका एग्जाम्पल यहाँ के लोगों ने दिया, जो यहाँ के लोग मिलजुल के रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए, इसको आप लोग हमेशा मतलब अपने अंदर रखना, इसको फॉलो करना और एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे बालाघाट में और न कि सिर्फ पूरे MP में बल्कि पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा सफल आयोजन होता रहे, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे आप लोगों ने इस योग्य समझा और यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में बहुत सुंदर बातें आपने माननीय एसपी साहब के मुखारविंद से सुना। मैं संक्षिप्त आभार के लिए, जैसे 30 त्योहार आते ना, जिस दिन नहीं, जिस साल नहीं मनाया जाता, लोगों को कमी कहती है कि इस बार क्यों नहीं। ईश्वर करे बात सरस्वती की कृपा हो, ये और आगे बढ़े। यही सपना देखकर हम चंद लोगों ने इस महोत्सव की शुरुआत की। घर से लाता था मूर्ति का पैसा, 250 रुपए कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में पसीने छूट गए थे बसेने जी के। और वो शुरुआत आज इस मुकाम पे पहुंची है। एक शहर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। अकेला चला था जाने बेमंजिल मगर, अकेला चला था जाने बेमंजिल मगर, साथी मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। दोस्तों, बहुत आभार आपका, बहुत आभार इस जिले के जाबाज पुलिस अधीक्षक महोदय गौरव तिवारी साहब का, बहुत आभार दिवाकर सिंह साहब का, बहुत आभार आप सारी जनता का
जिनके अपार प्यार और दुलार से ये कार्यक्रम लगातार दिनों दिन अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और अपने स्थान को पा रहा है। ये अभी भी शुरुआत है, समापन नहीं, ये और आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का आभार, आप लोगों ने इतनी रात तक इतना समय दिया, ज्यादा समय न लेके पुनः आभार। धन्यवाद अग्रवाल जी, और इसी के साथ हम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल आपके सामने अन्य जो पुरस्कार बच्चे उनका वितरण, और परसों कभी आपने पुलिस के बारे में सोचा है? कभी जब भी आप कड़कती ठंड में अपने नरम नरम गद्दे में बाल भी बच्चों के साथ घुस कर इस ठंड का आनंद लेते हैं, तब भी पुलिस अपने हाथ में डंडा और राइफल लेकर आपकी सुरक्षा करते नजर आती है, चाहे ग्राम चाहे शहर हो। तो क्या ऐसे पुलिस का सम्मान करना हमारा फर्ज नहीं बनता? मैं चाहूंगा आप तमाम दर्शकों से एक बार जोरदार ऐसी पुलिस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। इस मंच के माध्यम से सभी को बाबा के दर्शन होंगे। बाबा साईनाथ का गुणगान कर रहे हैं, तो महामाई का गुणगान बारी बारी से जयकारे के साथ और मंगलमयी तालियों से होता है। हम सभी तो इस मंच के माध्यम से अपनी हाजी लगा करके महामाई के भजन गा करके अपनी हाजी लगा रहे कलाकार, लेकिन आप सभी को भी ताली की सेवा करके सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की महाराज की।
तेरी भक्ति की गंगा में माननीय आईजी साहब ने अपना समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि लाल बरना के मंच में पहली बार महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी हमारे बीच पधारे हैं। हमारे लिए मां सरस्वती महोत्सव परिवार के लिए, हमारे लाल बरना क्षेत्र के लिए निश्चित ही ये गौरव की बात है कि हमारे आग्रह को स्वीकार कर आपने हमें अनुग्रहित किया है। जोरदार तालियों से आप हमारे सम्मानीय आईजी साहब का स्वागत करें। जैसा कि आप देख रहे हैं 251 द्वीपों के साथ हमारे विकास मालवीय जी यहां पर अपनी प्रस्तुति देंगे और भी शानदार शानदार कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपने देखा हनुमान जी, साईं बाबा, माता रानी, भोले बाबा और भी सभी झांकियां आपके सामने प्रस्तुत होंगी। सम्मानीय आई जी साहब का स्वागत करें। हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई चंद्र विजय साखला जी, आप ही मानसू अर्जुन वार जी, आप भी हमारे आईजी साहब का स्वागत करें। हमारे समिति के अध्यक्ष भाई योगेश आसवाले जी भी आईजी साहब का स्वागत करें। लिंकन अग्रवाल, आप भी स्वागत करें। सुरेंद्र बनवाले जी जो लगातार संपर्क कर कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं। माँ बाप भेज देते हैं, हम चले आते हैं, यहाँ से शिक्षक भेज देते हैं, वापस चले जाते हैं। लाल बर्रा की जनता है, उससे मेरा विनम्र आग्रह ये है कि सफलता प्राप्त करना इतना आसान है लेकिन उस सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत है आपको एकाग्रचित होकर यानी सब कुछ त्याग कर सिर्फ शिक्षा अर्जन। क्यों? ये एक नौकरी है, ना टाइम है घर आने का, ना टाइम है घर से बाहर जाने का, ना परिवार है, परिवार वहां रह रहा है, आप यहां रह रहे हो, क्या जिंदगी है? इसलिए माता बहनें जो बैठी हैं, बच्चा क्या बनना चाहता है इस पर भी थोड़ा सा दृष्टिपात कर ले। जैसे यहां तो अच्छी बात है कि बच्ची भी चाहती है इंजीनियर बने और माताजी, तो एक अलग उसका मैसेज जाता है और ज्यादा लोगों को कैरियर के प्रति जागरूकता पैदा होती। मैं माननीय गुड्डा भैया से निवेदन करूंगा, भाई विवेक पटले जी, चिंतामन रखपुरे जी, आप सभी मंचसीन होने कसकर 1111 रुपए प्रदान की 2222 रुपए का पुरस्कार। साइकिल दौड़ प्रतियोगिता जो ग्राम पुरदार ताली बजा दिए, अपन जितने लोग हैं वही सही चाहने वाले सरस्वती महोत्सव को, और आधे घंटे बाद अपन सब साथ में घर चलेंगे। आपसे निवेदन है, नकपुरे जी से निवेदन है, आप पुरस्कार प्रदान करें। द्वितीय स्थान पर है राकेश नारबोदे जी, विवेक पटेल से निवेदन है मेरा, सम्मानीय विवेक पटेल जी हमारे बीच उपस्थित है। नगद राशि 750 रुपए एवं टिफिन। प्रथम पुरस्कार राजकुमार नारबोदे जी, 1000 रुपए एवं नगद 1000 एवं टिफिन। आप से निवेदन है, हम गिने चुने जिसे प्रायोजित किया था जैकी जेवरानी ने। चतुर्थ स्थान आलोक बागरे, प्रथम राजकुमार मात्रे। प्रथम अंक गायत्री दीदी हमारे बीच आई हैं, मीना भाभी जी, प्रतिभा जी, अमित तिवारी जी ने चार प्रतियोगिता में हमें सहयोग प्रदान किया है।
और सामान्य ज्ञान संपन्न कराए थे हमारे भाई कपिल कटरे सिद्धार्थ रंग अंकुश सोनू सुमित यस। और एक बात मैं बताना जिसमें पिता और पुत्र की मृत्यु हुई और एक बच्चे को बचाने में नन्हे मुन्ने दो बालकों ने सहयोग प्रदान किया और आज जिसे बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आर्यन डेलवार और शिवम कावरे ये दो ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 11-12 साल के। राज्य मंडल की ओर से 500 रुपए का इनाम है और समिति की ओर से ट्रॉफी है। ये दोनों बच्चों ने मुकेश शर्मा बेटा जल्दी आ जा मुकेश स्वरूप। वैसे तो सभी कार्यकर्ता अपनी यथाशक्ति सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि हमारी कमी आप लोग पूरी करते रहेंगे। सरस्वती महोत्सव में पूरी जी जान से ऐसे काम करते रहेंगे। और मनीष पांडे जी भी साथी लालबर्रा थाने से यहाँ उपस्थित हों तो कृपया यहाँ आ जाएं। पुलिस प्रशासन की को एक स्मृति चिन्ह हम देना चाहते हैं हमारे गुड्डा भैया हमारे भाई विवेक पटेल और चिंतामन राव नकपुरे जी से कि आप सभी बच्चों को पुरस्कार प्रदान करें। पुलिस उप सरपंच अरविंद पाठक सहित समस्त पंच प्राचार्य सकल जैन समाज लालबर्रा भवन आदि इस परिवार को आगे बढ़ाते रहे। एक नाम है कैलाश और मैं कदम रखा और निरंतर यह महोत्सव आगे बढ़ता जा रहा है तो समिति की ओर से यह हमेशा समिति परिवार की ओर से हम इनका स्वागत करते हैं।
सहयोग के लिए हमेशा धन्यवाद देती है।
की सजग सुहानी वो घड़ी। माया ममता से जुड़ी थी तेरे लगन की हर कड़ी, सपनों की वो डोर टूटी, माँ बेटे से रूठी मुरझाई मन की कली। रात नौ दिन माई, दसम दिन बिदाई, विसर्जन माँ चली। पथ में सती के सत के कई